गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? फाइन, ओके. चलो लेट्स स्टार्ट द सेशन. टेक आउट योर टेक्स्ट बुक ऑफ ENV स्टैंडर्ड 4. चलो हमने 1 से लेके 8 तक के चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं. सो नाउ टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 9. चलो, व्हाट इज द टाइटल ऑफ चैप्टर नंबर 9? चेंजिंग फैमिलीज. क्या है ये? चेंजिंग फैमिलीज. चलो यहाँ पे देखो, हियर आर सम पिक्चर्स ऑफ फैमिलीज. दीज आर द फैमिलीज ऑफ निमी. किसकी फैमिली है? यहाँ पे पिक्चर्स दिए गए हैं. देर आर द फैमिलीज ऑफ निमी. किसके फैमिली के पिक्चर है ये? निमी के. टी सीरिंग एंड नाजिल. लेट अस लुक एट दीज पिक्चर्स, टॉक अबाउट व्हाट वी सीन एंड डिस्कस अ न्यू अराइवल. चलो, देर इज अ ग्रेट एक्साइटमेंट इन निमीज फैमिली. शी हैज अ न्यू बेबी सिस्टर. चलो, उसके जो फैमिली है निमी की, उसमें बहुत ही बड़ी एक्साइटमेंट आने वाली है, हैप्पीनेस आने वाली है, बिकॉज शी हैज अ न्यू बेबी सिस्टर. क्या है उसके पास? बेबी सिस्टर. उसकी मामा के पास अभी एक बेबी सिस्टर आया है. उसकी मामा ने अभी अभी ही एक बेबी सिस्टर को बर्थ दिया है. चलो, अभी यहाँ पे देखो, पिक्चर में आप देख सकते हो उसकी ग्रैंड मदर वहाँ पे है, उसके फादर है, निमी है, राइट. और देखो सेकंड वाले पिक्चर में उसकी मम्मा भी है और उसके पास उसकी छोटी बेबी भी है, छोटी सिस्टर है उसके पास. चलो, चेंजिंग फैमिलीज. अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है आगे. लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट. चलो, फर्स्ट वाले पिक्चर में क्या है? उसकी जो ग्रैंड मदर है, निमी के मम्मा है और उसके पापा है, वो कहाँ पे जा रहे हैं? हॉस्पिटल में से उसको डिस्चार्ज किया जा रहा है, तो वो अभी घर जा रहे हैं. देखो, अभी निमी जो है वो अपनी सिस्टर, छोटी सिस्टर का वेलकम कर रही है. उसके साथ उसके मम्मा पापा है और उसकी दादी माँ है. चलो, हु वर द मेम्बर ऑफ निमीज फैमिली बिफोर द अराइवल ऑफ द बेबी सिस्टर. चलो, हु वर द मेम्बर्स, मतलब कितने मेम्बर्स है वहाँ पे निमी की फैमिली में बिफोर, मतलब जब उसकी जो लिटिल सिस्टर है उसका बॉर्न नहीं हुआ था, तब कौन कौन थे उसकी फैमिली में? तो यहाँ पे क्या आएगा? उसकी मम्मा पापा और उसकी ग्रैंड मदर और निमी. कितने हैं? उसके ग्रैंड फादर भी है. यस, यहाँ पे उसके ग्रैंड फादर है, तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स और उसके पेरेंट्स और निमी, कितने टोटल हुए? 5 मेम्बर्स. देन हाउ मेनी मेम्बर्स आर देर इन निमीज फैमिली नाउ? चलो, अभी निमी की फैमिली में कितने मेंबर्स हो गए? तो काउंट करो, उसके ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, मदर, फादर, निमी और उसकी लिटिल सिस्टर, कितने होते हैं टोटल? 6. यहाँ पे देखो, काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. कितने हो गए टोटल? 6 मेंबर्स आर देयर इन निमीज फैमिली नाउ. चलो, अभी हाउ डू यू थिंक द लाइव्स ऑफ निमीज फैमिली मेंबर हैव चेंज्ड आफ्टर द अराइवल ऑफ द न्यू बेबी फॉर एग्जाम्पल? चलो, उनकी जो लाइफ है वो कैसे चेंज हो गई? वॉट डू यू थिंक द लाइव्स ऑफ निमीज फैमिली मेंबर्स हैव चेंज्ड आफ्टर द अराइवल ऑफ न्यू बेबी फॉर एग्जाम्पल? हाउ विल निमी स्पेंड हर टाइम नाउ? चलो, फॉर एग्जाम्पल, निमी जो है अब अपना टाइम कैसे स्पेंड करेंगी? वॉट न्यू वर्क विल हर मदर डू नाउ? उसकी मम्मा को अभी न्यू बेबी का ख्याल रखना पड़ेगा, राइट. उसको फीडिंग करवाना है, उसके लिए मिल्क जो है वो रेडी करना है, उसके कपड़े चेंज करने हैं, उसको बाथ करवाना है, राइट. तो ये सब कुछ उसकी मम्मा के लिए है. देर विल बी अ चेंज इन द डेली वर्क ऑफ निमीज फादर, ग्रैंड फादर एंड अंकल विद द अराइवल ऑफ द न्यू बेबी. कैन यू टेल नाउ? तो इसके बारे में आपको डिस्कस करना है. चलो, उसके बाद नीचे देखो. हैज अ स्मॉल ब्रदर और स्मॉल सिस्टर और सिस्टर बॉर्न इन योर होम और इन एनी हाउस इज नियर हाउस इन योर नेबरहुड. चलो, आपको यहाँ पे क्या पूछा गया है कि आपके आसपास के जो एरिया होते हैं, आपके नेबरहुड होते हैं, नेबर में, आपके पड़ोस में या फिर आपके घर में कोई न्यू बेबी सिस्टर और ब्रदर जिसका बॉर्न हुआ है, हाउ डज इट फील टू हैव अ न्यू बेबी एट होम? चलो, तो आपको यहाँ पे डिस्कस करना है कि आपको कैसा फील होगा अगर आपके घर में कोई छोटा बेबी या बेबी ब्रदर या बेबी सिस्टर आए या फिर आपके नेबर मतलब पड़ोस में आए तो. देन हाउ हैव थिंग्स चेंज एट होम विद द न्यू बेबी? तो आप सबकी जो लाइफ होती है, अगर आपके घर में ही कोई न्यू बेबी या न्यू बॉर्न बेबी हो तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, राइट. आपकी मम्मा की चेंज हो जाएगी, आपके पापा जो है उनकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपको भी उसका ख्याल रखना होता है, तो सब कुछ चेंज होता है. देन ओके, ये जो क्वेश्चन है वो हम वर्कबुक में देखेंगे. अभी नीचे देखो, न्यू प्लेस. ट्री स्ट्रिंग्स फादर रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम हिज ऑफिस. द लेटर सेड दैट ही वाज बीइंग प्रमोटेड एंड वुड हैव टू मूव टू अनदर सिटी. चलो, यहाँ पे ट्री स्ट्रिंग के जो फादर है उसका उसको एक लेटर मिल रहा है. कहाँ से मिल रहा है? ऑफिस में. वो एक जॉब कर रहे होते हैं, उसके ऑफिस में से उनको एक लेटर मिलता है. द लेटर सेड दैट ही
वॉज बींग प्रमोट, चलो उसको प्रमोशन मिलता है और उनको क्या करना होगा, एंड वुड हैव टू मूव टू अनदर सिटी, उनको क्या करना है दूसरी सिटी में मूव, मतलब शिफ्ट हो जाना पड़ेगा, उसको प्रमोशन मिला है तो उनको वहाँ पे शिफ्ट होना है. चलो, व्हेन टीस्विंग्स फादर शॉट द लेटर टू हिज फैमिली, हाउ डू यू थिंक द डिफरेंट मेंबर्स वुड हैव लेफ्ट. चलो अभी आपको क्या लगता है, व्हेन टीस्विंग्स फादर शॉट द लेटर टू हिज फैमिली, किसको दिखाते हैं वो, अपने फैमिली मेंबर्स को दिखाते हैं. हाउ डू यू थिंक द डिफरेंट मेंबर्स वुड हैव लेफ्ट, आपको क्या लगता है कि कितने जो मेंबर है वो चले जाएंगे इसमें से. तो यहाँ पे देखो अभी कौन कौन जा रहा है, यहाँ पे देखो आप देख सकते हो उसकी फैमिली में देखो कौन कौन है, उसके जो पापा है, उसकी मम्मा है, उसकी दादी माँ है, टी सिंह है और उसके दादाजी है. चलो तो इसमें से कौन कौन चला जाएगा. चलो तो उसमें यहाँ पे देखो सेकंड वाले पिक्चर में नीचे देखो कौन कौन जा रहा है, यहाँ पे देखो स्टेशन का पिक्चर है तो उसमें कौन कौन जा रहा है, यहाँ पे जो अनदर सिटी में मूव हो रहे हैं उसमें उसके मामा है, उसके पापा और टी सिंह, ये तीनों जा रहे हैं. यस, तो ये तीनों दूसरे वाले सिटी में क्या करेंगे, शिफ्ट हो रहे हैं, राइट. उसके बाद व्हाट विल चेंज इन टी सिंह फैमिली आफ्टर हिज फादर्स ट्रांसफर, फॉर एग्जांपल हु फ्रॉम टी सिंह फैमिली विल लीव विद हिज फादर एंड द न्यू प्लेस, विच स्कूल विल ट्रांसफरिंग टू गो नाउ, Will he have new friends? चलो उसकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, राइट. अगर वो दूसरे सिटी में जाता है तो उनको स्कूल चेंज करनी होगी, उसके साथ उसके दादा दादी वहाँ पे नहीं होंगे, फिर उसके न्यू फ्रेंड्स होंगे वहाँ पे. Has anybody in your family moved to a new place because of work? तो आपके जो फैमिली में है, अगर आपके पापा जॉब कर रहे हैं तो उनको ट्रांसफर मतलब प्रमोशन मिला होता है तो आपको ट्रांसफर करना पड़ता है. What do you feel about this change? तो आपको कैसा लगता है, आपको जो आपकी पुरानी स्कूल है वो छोड़ के जाना होता है, वहाँ पे आपको न्यू स्कूल होती है, वहाँ आपके न्यू फ्रेंड्स मिलते हैं, आपके जो पुराने नेबर्स होते हैं, पुराने फ्रेंड्स होते हैं, आपके दादाजी दादी, उन सबको आपको छोड़ के जाना पड़ता है. Is there anyone in your class or school who has come to your school from another place? If so, talk to him or her. चलो अभी यहाँ पे देखो, इट्स अ वेडिंग, क्या है ये वेडिंग, वेडिंग मतलब क्या होता है वो आप सबको पता है, वेडिंग मतलब शादी होना, क्या होता है मैरिज होना. चलो, देर इज अ ग्रेट जॉय इन नाजिल्स होम टुडे, हर एल्डर कजिन ब्रदर इज गेटिंग मैरिड. चलो, देर इज अ ग्रेट जॉय मतलब बहुत ही अच्छा दिन है आज, उसके जो घर में है नाजिल के होम में आज बहुत ही ज्यादा जॉयफुल एटमोसफियर है. क्यों है, हर एल्डर कजिन ब्रदर, उसका जो बड़ा कजिन ब्रदर है वो शादी कर रहा है, क्या कर रहा है, ही इज़ गेटिंग मैरिज मैरिड, क्या कर रहा है वो, उसकी जो शादी है वो होने वाली है, उसकी जो मैरिज है वो होने वाली है. तो नीचे पिक्चर में देखो नीचे जो है वो नाजिल है, पर्पल वाले ड्रेस में नाजिल है. उसके बाद यहाँ पे देखो वेडिंग का पिक्चर दिया गया है, ये हमारा ट्रेडिशनल वेडिंग होता है. चलो, ये जो है वो मोमेडियन की वेडिंग है, कौन सी कौन से रिलीजन की है, हमारे कंट्री जो है उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रिलीजन्स होते हैं, राइट. मोमेडियंस है, हिंदूज है, सिख है, क्रिश्चियंस है, तो अलग अलग रिलीजन्स के लोग रहते हैं. तो ये जो वेडिंग है वो ट्रेडिशनल वेडिंग है, कौन से रिलीजन्स की है, रिलीजन की है, मोमेडियन की है. चलो, डू यू थिंक दैट दिस देर विल बी एनी चेंज इन नाजिल्स फैमिली आफ्टर द वेडिंग, वॉट विल चेंज. चलो, शादी के बाद क्या होता है, जब वेडिंग हो जाती है तो आपके घर में कौन आता है, न्यू पर्सन आता है, राइट, न्यू फैमिली मेंबर आता है. यहाँ पे नाजिल का जो ब्रदर है उसकी वेडिंग हो रही है तो उसके साथ कौन आएगा, उसकी जो वाइफ है वो आ जाएगी, तो फैमिली मेंबर बढ़ जाता है. ये क्वेश्चन आंसर्स हम देख लेंगे वर्कबुक में. चलो, उसके बाद देखो, माय फैमिली यस्टरडे टुडे एंड टुमारो, ऑल फैमिलीज चेंज इन सम वेज और अनदर वे बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस, हैज योर फैमिली चेंज टू, व्हेन योर ग्रैंडमदर एंड ग्रैंडफादर वर चिल्ड्रन लाइक यू, वाज योर फैमिली जस्ट लाइक इट इज टुडे. चलो, आपके जो फैमिली होते हैं उसमें बहुत ही सारे चेंज आते रहे, जब आप छोटे होते हो तब आप अपने मम्मा पापा के साथ और ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर के साथ रहते हो, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हो, आप पेरेंट्स बनते हो, ग्रैंड पेरेंट्स बनते हो, तो न्यू थिंग्स होती है, वो सब चेंज हो जाती है. जब आप छोटे होते हो तब कैसे होते हो, आप अपने मम्मा के साथ रहते हो, पापा के साथ, फिर आप बड़े हो जाओगे, आपकी भी शादी होती है, फिर आप क्या करोगे, आप फिर आप पेरेंट बनोगे, फिर पेरेंट के बाद आप ग्रैंड मदर,
ग्रैंडफादर ग्रैंडपेरेंट बन जाओगे तो ये जो हमारी लाइफ होती है वो गोज ऑन, वो ऐसे चलती रहती है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चेंजेस आते रहते हैं. डू यू रिमेंबर द पिक्चर ऑफ सीतम्मा'स फैमिली ट्री विच वी सो इन क्लास 3? चलो थर्ड स्टैंडर्ड में आपकी आपने जो पिक्चर देखा था, डू यू रिमेंबर पिक्चर ऑफ सीतम्मा'स फैमिली? किसकी फैमिली थी? सीतम्मा'स फैमिली ट्री थी. किसकी फैमिली ट्री था? सीतम्मा की. तो वो आपको याद है. यू हैड ऑल्सो ड्रॉन अ फैमिली ट्री ऑफ योर ऑन फैमिली. लेट इस अगेन ड्रॉ द फैमिली ट्री ऑफ लास्ट ईयर इन योर नोटबुक. चलो लास्ट ईयर आपने थर्ड स्टैंडर्ड में अपना फैमिली ट्री बनाया था, राइट? आपने सीतम्मा का फैमिली ट्री देखा था, तो इस साल भी आपको नोटबुक में अपना फैमिली ट्री बनाना है जिसमें आपके ग्रैंड फादर ग्रैंड पेरेंट्स आएंगे. उसके भी पेरेंट्स आपको याद हो तो उनके भी नेम्स आप राइट कर सकते हो, ठीक है? चलो देर आर मैनी गर्ल्स हु गेट मैरिड बिफोर दे आर 18 ईयर्स ओल्ड. चलो बहुत सारी गर्ल्स जो होती है उनकी शादी हो जाती है जब तक कि वो 18 ईयर्स के ना हो. कितने साल के ना हो? 18 ईयर्स के. चलो हमारे देश हमारी कंट्री में जो कानून मतलब लॉ जो होता है वो क्या कहता है कि गर्ल जो होती है वो 18 ईयर्स ओल्ड हो जाए उसके बाद ही उसकी शादी हो सकती है. मैनी ऑफ देम हैव टू इवन लीव स्कूल. चलो वो जब बड़ी हो जाती है लड़कियाँ 18 ईयर्स या फिर 18 ईयर्स से कम, तो उनको जो होता है स्कूल में से ड्रॉप लेना पड़ता है या फिर स्कूल उनको छोड़नी ही पड़ती है बिकॉज ऑफ द मैरिज. देर आर मैनी ट्रू स्टोरीज ऑफ गर्ल्स लाइक सुशीला ऑफ रांगा रेडी डिस्ट्रिक्ट हु आर गोइंग बैक टू स्कूल. शी ऑल्सो गॉट टू हेल्प ऑफ द पंचायत. द पंचायत सेड द यंग चिल्ड्रन शुड प्ले एंड स्टडी एंड नॉट बी मैरिड ऑफ. अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ आंध्र प्रदेश हॉल स्पेशल कैंप्स टू हेल्प मैरिड गर्ल्स टू गो बैक टू स्कूल. जंगम्मा एंड सिटी चिट्टी सेज वी वुड लाइक टू स्टडी एंड स्टैंड ऑन आर ऑन फिट. चलो इसमें से गर्ल्स जो होती है तो वो क्या कर रही है कि शादी के बाद भी जब उसकी वेडिंग हो जाती है उसके बाद भी वो अपना जो स्टडी होता है वो कंप्लीट करती है. तो ऐसे कई सारे विलेजेस है, कई सारे टाउन है, वहाँ पे सबको इंस्पायर करते हैं. गर्ल्स जो होती है उनको मोटिवेट किया जाता है तो जिसकी भी शादी हो गई हो वो आगे भी स्टडी कर सकते हैं. और वो भी जैसे पंचायत होती है उसमें सिर्फ मेल्स होते हैं, मतलब उसमें गर्ल्स ज़्यादा नहीं होती है. तो आज वो गर्ल्स क्या करती है, अपना जो पंचायत होती है गाँव का जो पंचायत होता है वहाँ पर भी वो जाती है और सबको सिखाती है, सबको मोटिवेट करती है कि हमें लड़कियों की शादी जो होती है वो जल्दी से नहीं करवानी है और उनको उनकी जो खेलने की जो एज होती है और स्टडी की एज होती है उसमें आपको उसकी शादी नहीं करवानी है, राइट? चलो तो यहाँ पे चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है.